श्री गुप्ता जी, श्री डीपी अग्रवाल जी, श्रीमान पिल्लई जी मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और देश के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, गुजरात की धरती पर आप सबका स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में बहुत योगदान करने वाले इन महानुभावों का सम्मान करने का मुझे अवसर मिला। मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। श्रीमान गुप्ता जी का भी अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने दूसरी टर्म के लिए भी कार्यभार उन्हीं को सुपुर्द किया है, तो आपके संतोष का प्रकटीकरण हो रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। अगर कैमरे लग गए हैं तो आप लोग बैठ सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो बदलती है, इंसान का नेचर नहीं बदलता है। नहीं बैठेंगे, वो अभी जरा ठीक कर रहे हैं, कहीं मोदी जी इधर उधर चले जाएं तो। घोड़े अगर ठीक से खड़े हो गए हैं तो घोड़े सवार बैठ जाए। सबको थोड़ा थोड़ा आराम मिलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मानव संस्कृति के विकास की ओर अगर हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड शायद मानव संस्कृति के विकास का ऐसा रहा है जिसके मूल में त्याग, तपस्या, जीवन के सत्य को खोजने के लिए जीवन को खपा देना, हम कौन थे, कौन है, कहां से आए, कहां जाएंगे, इसी की खोज में सहस्त्रों वर्ष तक मानव जुटा रहा। प्राकृतिक विशेषताओं को समझने के लिए अपने आप को खपाता रहा, ब्रह्मांड को समझने के लिए पीढ़ियों तक उसने अपने आप को खपा दिया। अब उससे मानव ने जो सत्य पाया और जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, वे महान माने गए, प्रेरक माने गए। वो समाज, वो संस्कृति, वो व्यक्ति दुनिया के लिए आदर्श के रूप में प्रस्थापित हुए। दूसरा एक कालखंड ऐसा आया कि जिसमें मानव संस्कृति विकास में एक सामाजिक ढांचा बनाने में जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, सोशल स्ट्रक्चर खड़े करने में, जिसके कारण जो हमारे पूर्वजों ने खोज की थी उसको सस्टेन कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन द लाइट ऑफ दैट रिसर्च के लिए या उनको जो आत्मज्ञान हुआ था, व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए
पीढ़ियां थक गई, काल क्रम चलते उसमें कुछ विकृतियां आई होगी, कुछ चीजें कालबाह्य हो गई होगी, लेकिन उसी ढांचे के तहत एक ऑटो पायलट व्यवस्थाएं समाज जीवन में निर्माण जो बुराइयों को छोड़ते हुए अच्छाइयों को कालानुकाल परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद और एक कालखंड आया जिस कालखंड में मनुष्य गति चाहता था, मनुष्य प्रगति चाहता था, ईश्वर तक जो भी उसके पास है उसमें कुछ जोड़ना चाहता था और उसने उसको टेक्नोलॉजी की ओर प्रेरित किया। वो नए नए साधनों को जोड़ने लगा, खोजने लगा और विकास की अवधारणा में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा स्थान ले लिया। आज सबसे समृद्ध देश कौन, सबसे सुखी देश कौन, सबसे डेवलप कंट्रीज कौन, उसके मानदंड क्या है, उन मानदंड के अंदर वो जो पहली पीढ़ी ने दिया था वो मानदंड नहीं। जीवन कितने उच्च है वो मानदंड नहीं है, मानदंड ये है कि वो समाज, वो देश टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस ऊंचाइयों पर पहुंचा है। अगर सैनिक शक्ति का हिसाब लगाया जाए दुनिया के देशों के बीच तो दुनिया के सैन्य शक्ति का आधार कितने फौजी हैं, फौज में कितना मैन पावर उस पर नहीं हो रहा, उनके पास कितने मोस्ट मॉडर्न टेक्निकली साउंड इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, विनाश करने की उनकी क्षमता कितनी ज्यादा है, उसके आधार पर उस देश की सैन्य शक्ति को नापा जाता है। मतलब नापने का आधार है टेक्नोलॉजी। विश्व का कौन देश टेक्नोलॉजी में कितनी प्रगति कर रहा है उसके आधार पर कौन देश शक्तिशाली है, कौन देश पीछे है, ये मानदंड बन चुका है। और यही अगर मानदंड है और उसको हम नकार नहीं सकते तब भारत जैसे देश ने भी टेक्नोलॉजी की उपयोगिता, साइंस इज यूनिवर्सल, टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल, हो सकता है एक सिद्धांत स्पेस रिसर्च के लिए काम आता हो लेकिन संभव है वो ही सिद्धांत गांव की भलाई के लिए भी काम आ सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट साइंस हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर इस टेक्नोलॉजी की स्पर्धा में विश्व के अंदर एक शक्ति के रूप में उभरना है तो हमारे सामने सबसे बड़ी अगर कोई चैलेंज है तो वो है कि हम 120 करोड़ नागरिकों के जीवन विकास में टेक्नोलॉजी को कितना उसकी आवश्यकता के अनुसार मोड़ सकते हैं, उसको विकास कर सकते हैं। और इस प्रकार के समारोह के माध्यम से अगर भारत गांव का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो क्या हमारी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव गरीब किसान के लिए काम आ सकता है और आ सकता है। अगर हमें विश्व के समृद्ध देशों के में आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी के बिना होना नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के भरोसे तब होगा उस बात पर निर्भर नहीं करता है हम कौन सी नई चीजों को खोजते हैं, निर्भर उस बात पर होने वाला है उपलब्ध टेक्नोलॉजी गांव तक कैसे पहुंचाते हैं। हमारी रूट में ताकत जो रहेगी वो वही रहने हैं और इसलिए हम लोगों का प्रयास
हमारे पास उपलब्ध जो विज्ञान है, उपलब्ध जो टेक्नोलॉजी है, वो गांव के काम कैसे आए, हर व्यक्ति को वो कैसे जोड़े, और उस दिशा में हम अगर प्रयास करते हैं तो विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। बस ट्रांसपोर्टेशन जिसने खोजा होगा, जब खोजा होगा, लेकिन अगर गांव को वो बस उपलब्ध नहीं है तो आपका ये खोज किस काम की। मैंने बस का उदाहरण बहुत सिंपल इसलिए दिया कि तुरंत पता चलना, हाँ यार टेक्नोलॉजी है, बस है, सब है, गांव में तो बस है नहीं, तो उस गांव के विकास का क्या लेना है। और इसलिए टेक्नोलॉजी हम वहां तक जितना जल्द ले जाए, और उसका उसकी ताकत बहुत बढ़ती है, बहुत परिवर्तन लाता है। अब हमने एक छोटा सा प्रयोग किया, हम लोग टेलीमेडिसिन से तो परिचित हैं। अब टेलीमेडिसिन के मूल में यही तो टेक्नोलॉजी है, आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। हम कृषि महोत्सव करते हैं, हम एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को प्रार्थना करते हैं कि इस समय आप हमारे साथ गांव चलिए, और लैब से साइंटिस्ट निकल कर लैंड पे आते हैं, खेत में आते हैं, किसानों से बात करते हैं। ये हमने प्रयास किया, धीरे धीरे हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आज किसानों को अपने लगने लगे। वरना आप कहीं पर भी जाइए, एग्रीकल्चरिस्ट को मालूम ही नहीं है कि कृषि यूनिवर्सिटी उसकी अमानत है, उसको पता ही नहीं है। वो मानता है मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए जगह है, नहीं, तुम्हारी समस्याओं का समाधान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों से माध्यम से मिल सकता है। फिर हमने एक छोटी सी व्यवस्था की, साइंटिस्टों के साथ अपनी बात पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई, और आज मेरे यहां गांव का किसान भी अपने पौधे पर अगर कोई रंग बदल गया है, कोई डिसीज आया है, उसको लगता है तो मोबाइल फोन से उसका फोटो निकालता है और एमएमएस माध्यम से वो साइंटिस्ट को भेज देता है। और जो टेलीमेडिसिन के लिए इतनी बड़ी बड़ी फॉर्म काम करती है, मेरा किसान आराम से वो काम कर लेता है, और वो उसको गाइड करता है कि अच्छा भाई तुम्हारे तुम्हारे पौधे पर ये जो दिखता है, हो सकता है ये होगा, तुम जरा इसका प्रयोग करो, उसको रास्ता मिल जाता है। यानी चीज छोटी होती है लेकिन उसको कैसे लगल पाया जाता है। मित्र, हमारे देश में मनुष्य के पास भी हेल्थ कार्ड नहीं है। यहां बैठे हुए भी आधे से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनका अपना हेल्थ कार्ड नहीं होगा, हेल्थ प्रोफाइल नहीं होगा। एंड गुजरात इज ए स्टेट जहां पर हर गांव में किसान के पास अपनी जमीन का हेल्थ कार्ड है। कैसे? टेक्नोलॉजी के कारण। अब उसके कारण उसे पता है और सब कुछ कंप्यूटर पर उसको अवेलेबल है, वो नेट पे जाकर के अपना जमीन का आधार पर देख सकता है कि वो उसकी जमीन की क्या हालत है। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, उसे पता चलता है कि मेरी जमीन किस पैदावार के लिए उपयोगी है, कौन से फसल के लिए उपयोगी है, किस दवाई की जरूरत है, किस दवाई की जरूरत नहीं है, मेरी जमीन में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं। और अकॉर्डिंग टू दैट वो जब अपना एग्रीकल्चर प्लान करता है तो कम से कम खर्चे में अधिकतम बेनिफिट पाने के लिए वो हकदार बन जाता है। और उसका परिणाम है, और उसका परिणाम यह है कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2001 से 2011 तक पूरे 10 वर्ष करीब करीब 11% रहा। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसलिए हम अपनी टेक्नोलॉजी के इस प्रकार से अगर उपयोग करते हैं। मित्र, हम लोग सब एक आयु के पड़ाव पर पहुंचने के बाद कैटरेक्ट कहीं न कहीं हमारे मेहमान मिलकर आ जाता है,
दुनिया हमें कैटरक की नजर से देखना पड़ता है, नेत्रमणि की तकलीफ होती है और हम कैटरक का ऑपरेशन भी करवाते हैं। आज भी हिंदुस्तान के कई प्रदेश ऐसे हैं कि जहां सेवा के काम के रूप में नेत्र यज्ञ के शिविर लगते हैं और डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं, लोगों को नेत्रमणि के संकट से मुक्ति दिलाई जाती है। मित्र, एक तरफ ये दृश्य है, पूरी दुनिया में गुजरात इज ओनली एक्सेप्शनल केस इन द वर्ल्ड कि जहां कैकल का कैटरेक ऑपरेशन होता है। टेक्नोलॉजी थी, कैटरेक का ऑपरेशन होता है, कैटरेक कैसे होता है सब पता डॉक्टर को चलता था, लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया कैटल में भी जीव होता है। जो शरीर रचना हमारी होती है वैसे बायला वही चीजें वही है, तो उसको भी तो कैटरेक का तकलीफ होता होगा। हमने उसको लागू किया और उसका परिणाम कैसा था? मित्रों, गुजरात इज अ स्टेट की जहां कैटल के डेंटल ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। आपको हैरानी हो रही ना, मेरे वैज्ञानिक मित्रों, मैं आपसे यह मांगने आया हूं कि आपके साथ सब कुछ पड़ा है, सब कुछ विज्ञान आपके पास है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपीरियंस है, थोड़ी नजर दौड़ाइए, आप इस पूरी मानवता की बहुत बड़ी सेवा करें। थोड़ा नजरिया बदलना होता है और मेरे राज्य में आज कैटल कैंप लगते हैं, कैटल की डेंटल ट्रीटमेंट की व्यवस्था होती है और ऐसी छोटी छोटी चीजों का परिणाम क्या है। हमने इस आईटी का उपयोग करते हुए कैटल की ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप किया है। हम हर वर्ष कैटल का हेल्थ कैंप लगाते हैं, पशु आरोग्य मेला, वैक्सीनेशन का फॉलोअप करते हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां एक सिंपल टेक्नोलॉजी की मदद से फॉलोअप एक्शन के कारण 112 डिसीज ऐसे हैं जो पशु को होते थे, 112 डिसीज वो टोटली ये टेक्नोलॉजी की मदद से रेगुलर फॉलोअप के कारण 112 रोग पूर्णतया इरेडिकेट हो गए। और इसलिए मित्रों, हम चीजों को कैसे उपयोग करते हैं। अब हम शिक्षा में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का उपयोग करते हैं। हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य ऐसा है कि जहां गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है और 18,000 विलेजेस मेरे यहां ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। मैं आज गुजरात के किसी भी गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता हूं, एक गांव दूसरे गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकता है। ये व्यवस्था मेरे यहां है और उसका नतीजा यह हुआ है कि हमारी जितनी बातें हैं हम बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं। नेचुरल कैलेमिटी की एक घटना मैं सुनाना चाहता हूं। आपको मालूम होगा 3 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी बाढ़ आई, काफी तबाही हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको याद होगा। अब उनको लोगों को चीज बात कैसे पहुंचानी, मैं एक समृद्ध देशों की बात कर रहा हूं दोस्तों, बात कैसे पहुंचा नहीं उनके लिए बड़ा संकट का मामला, चिंता में थे कैसे करें। तो इत्तेफाक से वहां एक यूनिवर्सिटी में मेरे राज्य के एक अफसर जो पढ़ाई के लिए गए हुए थे और वे यहां डिजास्टर मैनेजमेंट के काम से जुड़े हुए इंसान थे, तो उन्होंने गुजरात का एक एग्जाम्पल उनको दिया। आपको मालूम होगा कि गुजरात में बड़ी मुश्किल से 5 साल में एक बार बाढ़ आती, लेकिन आज से 4 साल पहले 1 साल में 5 बार बाढ़ आई थी और महीने इतना लगातार बारिश के कारण परेशानी हुई और ये मही के किनारे के गांवों को एक सीजन में 5 बार खाली करवाना पड़ा। लेकिन हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट व्यवस्था के तहत उन सभी गांवों के मोबाइल फोन की पूरी जानकारी आ, वहां के लोग अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं थे,
लेकिन हम अंग्रेजी अल्फाबेट में गुजराती सूचना से एसएमएस करते थे कि 3 घंटे में इतना पानी आने की संभावना है, आप वहां से हट जाइए। यह हमने कम्युनिकेट किया जस्ट थ्रू दिस टेक्नोलॉजी। और मित्रों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि एक सीजन में 5 बार बाढ़ आने के बाद भी एक भी कैटल, एक भी इंसान अपना जान नहीं गंवाई। मतलब इन सारी व्यवस्थाओं हम नई जब खोजे तब खोजे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से किस प्रकार से हम उपयोग में ला सकते हैं। इन दिनों हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किस प्रकार से 108 को कोऑर्डिनेट करते हैं देखने जैसा। 108 की सर्विस मेरे राज्य में पिछले दिनों हम लोगों को एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला 108 सेवा का। वो अवार्ड इस बात का मिला है, अमेरिका यूरोप जैसे देशों में ये सेवाएं करीब 100 साल पुरानी है कि एक नंबर पर डायल करने से आपको तुरंत सेवा मिलती है, गाड़ी दौड़ के आ जाती है। 100 ईयर पुरानी सेवा है, लेकिन वहां पर कॉल रिस्पॉन्स की जो सिस्टम है तो कहते हैं कि 5 घंटे एवरेज लगती है। किसी कंप्लेनर ने कंप्लेन किया और उन्होंने रिसीव किया तो कोई 5 घंटियां बचती है एवरेज। मित्रों, गुजरात का रिकॉर्ड है, हम कोई 3 घंटियां से रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके कारण हमें दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस मिला है। एंड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन सेंसिटिविटी, इसको जोड़ने से क्या परिणाम आता। और आज गुजरात के किसी भी दूरदराज क्षेत्र में कोई गरीब मां, अगर वो प्रेग्नेंट है, उसको पीड़ा हो रही है, किसी को सांप काटा है, किसी को अटैक आ गया है, अगर वो 108 को लगाते हैं, शहर में भी आज हमारे देश में एम्बुलेंस आते आते आधा घंटा लग जाता है, मेरिया गुजरात के किसी भी रिमोट एरिया में होगा मैक्सिमम 13 मिनट के भीतर भीतर गाड़ी पहुंचती है। 13 मिनट के भीतर एनी वेयर इन गुजरात कहीं रास्ते का एक्सीडेंट हो गया, हाईवे पर तो हार्डली 3-4 मिनट लगते हैं मित्र पहुंचे। क्यों? इस सारी सर्विस को हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से एकदम परफेक्टली नेटवर्किंग किया। और एक कंट्रोल रूम, मैं तो चाहूंगा आप जब मेहमान आए उसका हमारा कंट्रोल रूम देखने जाए, ये दुनिया में एक अच्छे कंट्रोल रूम में उसको माना जाए और अभी भी बनाया। यानी टेक्नोलॉजी का जन सेवा में उपयोग कैसे हो सकता है, इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। आज देश में करप्शन ने पूरे देश को परेशान करके रखा है। लोग टीवी चालू करते हैं, अखबार खोलते हैं तो सोच यही होती है शायद आज कौन अंदर गया होगा। आज किसकी बारी होगी? जैसे हमारे यहां पतंग के समय होता है ना, ये गया ऐसा करके काटते हैं, इसमें जैसे ये गया, बस ABC करते करते चल रहा है जी। ए की बारी आ गई, बी की आ गई, सी की आ जाएगी, ऐसे ही चल रहा है। मित्रों, टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत बड़ा साधन बन सकती है। भारत जैसे देश में टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में बिलाड चेक पोस्ट है हाईवे पर। यहां पर गुजरात का चेक पोस्ट है, 1 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। उनका टैक्स का रेट और हमारे टैक्स का रेट इक्वल है। मेरे चेक पोस्ट से गाड़ी गुजरती है, वही उनके चेक पोस्ट से गुजरती है। कभी गाड़ी पहले मेरे यहां आती है बाद में वहां जाती है, कभी गाड़ी पहले वहां आती है बाद में मेरे यहां आती है।
व्हीकल की संख्या में फर्क नहीं है, चार्ज में फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है कि मेरे यहां भिलाड़ चेक पोस्ट पर ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का नेटवर्क है, महाराष्ट्र में दूसरा नेटवर्क है। परिणाम ये है कि हमारी उनसे 5 अरब रुपए की इनकम ज्यादा है, 500 करोड़ रुपीज उनकी कम है। मतलब टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आई, लीकेज कम होता है, लीकेज बंद होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए ये विज्ञान हमें काम आ सकता है। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी के लिए उपयोग होता है, एफिशिएंसी के लिए उपयोग होता है। अभी मेरे यहां टीचर रिक्रूट कर लेते हैं। अब आमतौर पर सरकार में हमारे अग्रवाल जी जानते हैं कि ये रिक्रूटमेंट किस प्रकार की दुनिया है और कितना समय लग जाता है, और इतने में कोई कोर्ट चला गया तो फिर 2-4 साल यूं ही निकल जाते हैं। हमें टीचर्स को रिक्रूटमेंट करना था, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी, एप्लीकेशन मांगने की डेट एंड ऑर्डर देने की डेट ओनली 12 डेज एंड 13,000 टीचर्स को अपॉइंट किया जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, कोई आरोप नहीं, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी बोथ। विद इन 12 डेज 13,000 टीचर्स को एक सरकार अपॉइंटमेंट दे दे और उसके बाद कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत। ये सब संभव है और इसलिए मैं खुद टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी नहीं हूं, इसलिए टेक्नोलॉजी का उपदेश देने का मुझे कोई राइट नहीं है। आप एक्सपर्ट लोग 2 दिन या 4 विमर्श करने वाले हो, लेकिन आप लोगों ने जो कुछ खोजा है, जो ज्ञान का भंडार आपके पास है, उसको हमने हमारे राज्य में किस प्रकार से छोटे तौर तरीके से उपयोग में लाया है, इसको सुन करके आज जरूर आपको संतोष होगा कि आपकी जिंदगी बेकार नहीं गई है, आपने जो मेहनत की है उन लोगों के काम आते हैं। और यही आपका गौरवगान करने के लिए मैं आया था, मैं आपका गौरवगान करने की बात सुना रहा हूं। मैं इस मत का हूं मित्रों, इस सदी में 2 टेक्नोलॉजी का प्रभाव मानव जीवन पर रहने वाला है जिसका हम कोई इनकार नहीं कर सकते, एक आईटी, दूसरा ईटी। फ्यूचर इन 2 से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी। जो भी इस देश में लीड करेगा, मानव जात उसके साथ जुड़ेगी और शायद विकास के नए पैरामीटर आईटी और ईटी से जुड़ेंगे। इस विचार के साथ इस समारोह को सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।